वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा मोटर स्टॉक की बात की जाए तो आज टाटा मोटर्स में फिर से एक बार गिरावट देखने को मिले। कल की गिरावट के बाद आज फिर से कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे देखने को मिले पिछले 2 दिनों से। यानी कि देख सकते कि 440 लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है टाटा मोटर स्टॉक। 8 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिले, 1.94 यानी कि तकरीबन 2% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे आज गैप डाउन से ओपन हुआ। जहाँ पे ओपन हुआ वही से गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। पर नीचे 440 लेवल जो यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो गई थी, तकरीबन 440 लेवल पे सपोर्ट लिया और वही से देख सकते फिर से बाउंस बैक किया था यहाँ पे रिसेंटली। तो फिर से गिरावट होती है तो 440 लेवल ब्रेक होती है तो और नीचे गिरावट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। मार्केट कैप 1.58 लाख करोड़ का है और पिछले 5 दिनों में तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। आज के दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो 83 लाख का टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टाटा मोटर स्टॉक में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 37,183 लाख की है। बाइंग के लिए 7,43,000 क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 14,96,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। डिलीवरी वाइज यहाँ पे पोजिशन देखी जाए तो देख सकते हैं तकरीबन क्वांटिटी ट्रेडेड जो थी वो 71 लाख थी, उसमें से 30 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके। टोटल 42% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। तो टाटा मोटर्स का चार्ट पे नजर डाली जाए तो देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि 200 मूविंग एवरेज है, जिसका रजिस्ट्रेशन रिसेंटली लेता हुआ नजर आ चुका है टाटा मोटर स्टॉक, जिसका रजिस्ट्रेशन लिया देख सकते हैं और गिरावट देखने को मिली। तो फिर से गिरावट हो चुकी है नीचे रिसेंटली 440 लेवल को आज ब्रेकआउट फिर से मिलता है तो 430 लेवल तक जाने के चांसेस यहाँ पे ओपन हो सकती है। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट टाटा मोटर स्टॉक के लिए।